मिस्टर मोदी जो हैं ही इज़ इन यूएई और वो जा रहे हैं वहाँ पे किस लिए? दी ओनली पर्पज इज़ कि वो वहाँ पे मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एंड ही इज़ ऑन दिस ड्राइव टू एक्सपोर्ट हिंदुइज्म टू अदर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए गलत। सर क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें। ताकतवर होता है वो करके दिखाता है, सही हो गया। और जो कमजोर होता है वो सिर्फ बातें करता है। हम बुनियादी तौर पे कमजोर है। जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं। नहीं अब ये तो होना ही है। इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। आपका न्यूक्लियर बॉम्ब भी कर्जे में, आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप कर्ज पूरा ना। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। बंगला लो जी, इंडियन इंडियन भी मौजूद है इधर, पाकिस्तानी भी मौजूद है और बांग्लादेश के भाई भी मौजूद है। वहाँ का भाई जैसा इंडिया का भाई, दोनों सेम सेम है, लेकिन सिर्फ माहौल जो है ये ऊपर वाले मीडिया। जी हिंद दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सनातन धर्म का स्वर्णिम युग चल रहा है और सनातन धर्म लगातार फैलता ही जा रहा है, चाहे वे यूरोप हो या फिर अरब कंट्रीज। दोस्तों सनातन धर्म की एक बार फिर से विजय हुई है और 500 सालों के बाद अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बना है, जिसका उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अब अबू धाबी में भी एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए हैं। वहां पर यह पहला हिंदू मंदिर होने जा रहा है, वो कि बहुत काफी विराट है, और इसी के साथ उस मंदिर में काफी ज्यादा हिंदू लोग जो है वो पूजा अर्चना करने आएंगे। दोस्तों ये अबू धाबी की सरकार ने जो है वो जमीन गिफ्ट की थी, जिसके बाद वहां पर मंदिर बनाया गया और इस मंदिर की चर्चा जो है चारों तरफ फैली हुई है, यहां तक कि पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान भी काफी ज्यादा हैरान है कि किस प्रकार है। दोस्तों आज की हमारी पूरी वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अपन किस देर के वीडियो को तो स्टार्ट द वीडियो। इस टाइम हम मौजूद हैं एक बाईसाइकिल स्टोर के बाहर मौजूद हैं। हमने एक साइकिल ली थी भाई से, वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो अभी इनके पास हम कंप्लेन लेके आए हैं। ये भी इंडिया से है मेरे ख्याल से। भाईजान आपसे साइकिल लेके गए हैं कुछ दिन पहले, एक बच्चे की। खान साहब हम लेके गए साइकिल, बिल्कुल लेके गए, ठीक वो ठीक नहीं है, तो ये देखें क्या आप क्यों ऐसा हो? ऐसा बात है कि आप साइकिल यहाँ पे लाइए, क्या चीज प्रॉब्लम है हम वो आपको बना के देंगे, जो प्रॉब्लम है मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको देंगे। आप इधर लेके आइए, आपका क्या मसला आ रहा है मैं चेक करेगा, चेक करके आपको बना के अच्छा से देगा। तो भाई आपने पहले क्यों नहीं ठीक दी? देखो अभी मैं स्पेशल अपने साथ आप कहाँ से हैं? हम तो भाई इंडिया से। इंडिया से देखो मैं अपने साथ पाकिस्तानियों को लेके आया हूँ, सिर्फ आपकी कम्प्लेन करने के। ये देखो इस बंदे ने मुझे साइकिल नहीं दी। सब के सब हम भाई लोग। अच्छा इधर नहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम सबको भाई लोग है, ठीक है। खान साहब छोटा भाई जैसे क्या कहते हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी सपोर्ट करें, आप कह रहे हैं हम सब एक हैं? नहीं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब वो पाकिस्तान में जो एक वो ताज़ा माहौल है वो यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अमरियत ये चीज नहीं, मतलब पाकिस्तान जैसे जमहूरियत नहीं, वहाँ पे इस तरह सिस्टम है, मतलब हर एक को कि भाई ये इंडिया के नाम पे कोई भी यही मतलब कि मैं कंप्लेन करता कि इंडिया वाले ने। अच्छा ये देखें इधर मैं लेके आया हूँ कि भाई पाकिस्तानी भाइयों के भाई इंडिया वाले ने मेरे साथ धोखा किया, ये छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट था, प्रैंक था या जो भी समझ लें, लेकिन उसने भी ये कहा कि साइकिल ले आओ वो ठीक कर देंगे इधर कंप्लेन। ये नहीं है कि पाकिस्तानी और इंडिया ना लड़ पड़ेंगे। अच्छा आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं? एकदम मोहब्बत से रह रहे हैं। ठीक कितने देर से और कहाँ आप कहाँ से? इंडिया से। इंडिया में यूपी से। यूपी से ठीक हो गया। यूपी के जो सीएम है उनका क्या नाम है? वो उनका नाम योगी है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं क्या समझते हैं कि इधर अगर अबू धाबी की बात करें, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, इंडियन भी मौजूद हैं, कैसे मिलजुल के रह रहे हैं और आप कितनी देर से यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे तकरीबन मेरे को 1 साल हो गया। ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा हमको इन लोगों के साथ में रह के हमको अच्छा लगता है, इन लोगों का बात व्यवहार सब कुछ अच्छा है, ठीक है। हम इन लोगों के साथ में बहुत खुशी से रहते हैं। खान साहब आप बताएं जो एक ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज है पूरी दुनिया में, आपको तो पता ही होगा कि भाई पाकिस्तानी जहाँ पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वही इमेज है या कुछ बेहतर है? नहीं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो लोग आते हैं मतलब मेहनत मजदूरी के लिए ये आते हैं ना, यहाँ पे ये लोग बिल्कुल जबरदस्त इमेज ही देते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर गलत काम करे तो लोग देखते हैं, वो बंदे का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान कंट्री का नाम लेते हैं, कंट्री का नाम लेता है। इसलिए हर एक बंदे का यही कोशिश होता है कि अच्छा इमेज दो,
ताकि सारे लोग देखे ये न कहे कि ये पाकिस्तान का है। इसीलिए इधर हम जो रहते हैं एक दूसरे के साथ ये बोझ नहीं होता है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपके पास सबसे ज्यादा ये जो आपकी शॉप है, अगर कैमरा मैन दिखाएं इनकी शॉप का नाम भी दिखाएं और ये जगह कौन सी है वो जगह भी बताएं अगर कोई आता है। ये जगह मदीना जायद अबू धाबी एरिया है, ये मिडिल बाइसिकल है, यहाँ पे रेसिंग साइकिल भी होते हैं बड़े। जबरदस्त, आपकी प्रमोशन हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो कौन से होते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, इन दोनों में से? इनमें से ज्यादातर फिलिपीन के आते हैं, यूके के आते हैं और ज्यादातर इंडियन भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंट्री के लोग आते हैं ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? हमारा नाम सजद अहला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान, क्वेटा, जोब से। जोब, क्वेटा से। ठीक हो गया। एक स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है। और हमेशा जब मोदी जी कहते हैं कि इस चीज में मोदी की गारंटी है, तो जब वो ये बात उनके मुंह से किसी चीज के लिए निकलती है ना, तो हम लोग उसी वक्त सुकून में आ जाते हैं भाई, अब ये तो होना ही है। अब उन्होंने जब कह दिया है कि ये मोदी की गारंटी है तो होना ही है। सही। उन्होंने 1993 में कहा था। अच्छा। कि भाई जब उनको पता भी नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, वो गली कूचों में और खेत खलियानों में अपनी बातों को रखा करते थे लोगों के सामने, तब उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर बनाएंगे चाहे जो। अच्छा। तो राम मंदिर बना। जब वो किसी भी पद पर नहीं थे तब उन्होंने कहा था कश्मीर से 370 हटाएंगे, किसी पद पर नहीं थे। अच्छा। हुआ। उन्होंने कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ले आए। उन्होंने कहा था एक मंच पर बैठ करके जिसमें सब मतलब संत महान थे कि मुसलमान बहन और बेटियों के लिए 3 तलाक खत्म होना चाहिए हमारे भारत से, जी खत्म हुआ। तो मतलब उनके मुंह से जब कुछ निकलता है तो वो पत्ते की लकीर हो जाती है और हमें समझ में आ चुका होता है कि अगर मोदी जी के मुंह से ये बात निकली है तो इसका मतलब है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। सही, बिल्कुल। वायदे की ना इख्तलाफी ये मोदी जी को ना पसंद है और ना वो ऐसे हैं। और मैं मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि वो एक अवतार है। मैं ऐसा अज्यूम को नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा फील कर चुकी हूँ। कई मंच पर मैंने उनको भाषण देते हुए लाइव देखा है, भले ही उस मंच पर मैं बहुत पीछे खड़ी थी, लेकिन जो ऑरा उनका है, जो प्रेजेंटेशन उनका है, वो बहुत चार्मफुल है।